अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन मर्सल हॉस्पिटल सीन फ्रॉम द मूवी मर्सल ऑफ कोर्स ऑफ तलपति विजय. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एवरीवन, आई एम नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. रेडी हो गया ना भाई? हाँ, तैयार हो गया. बसंत नगर में एम्बुलेंस ड्राइवर को मैं ठसूंगा और उस लालची एजेंट को घर से ही डोली में बिठाऊंगा. उस एचआर का लिफ्ट में ही अचार बना दूंगा. डॉक्टर को जॉगिंग टाइम पे क्लोरोफॉर्म सुंगा दूंगा. सारे बकरों को एक साथ बुचर खाने पहुंचा दूंगा. फिर अब आराम से उनका खीमा, कोफ्ता, बिरयानी सब बनाना. उन्हें किडनैप करना ज्यादा मुश्किल है ना, मार डालना ज्यादा आसान है. इतनी मेहनत करके किडनैप करो, कहीं छुपा के रखो, इतना सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि मीडिया को स्टोरी मिल जाती है. वैसे ये सब अपने रामू की फिल्म की स्टोरी लग रही है. गुनहगार को पकड़ो और उसे मौत के घाट उतार दो. पाप का अंत करना यही तुम्हारा काम है. लेकिन ये किडनैपिंग वाला ट्रेंड कब से शुरू किया? जिन्हें भी तुमने अगवा किया वो सभी हॉस्पिटल से किसी ना किसी तरह से जुड़े हैं. बस इस केस का यही एक क्लू है. ये सस्पेंस अब मुझसे झेला नहीं जा रहा. प्लीज जरा गाड़ी आगे बढ़ाओ ना. पूजा, आइए बाबा. हाय ऋषि, सब ले लिया ना? हाँ, सब ले लिया. ठीक है, बाय माँ. बाय बेटा. बाय बाबा. कुछ भूली तो नहीं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई. पूरे दिन आपकी अच्छी बोनी है. अच्छा सुनो, मैंने सुना है स्कूल वाले पिकनिक ले जा रहे हैं. हाँ बाबा, स्कूल वाले हमें पिकनिक ले जा रहे हैं, पर मैं नहीं जा रही हूँ. एक दिन का वो लोग 200 रुपया मांग रहे हैं. इतना फालतू का खर्चा क्यों करना? घर पर रहकर मैं माँ के काम में हाथ बटाऊंगी और मेरे सारे दोस्तों के साथ उस दिन खूब खेलूंगी. मजा आएगा. पहले से ही आपके ऊपर मेरी पढ़ाई का खर्चा है, ऐसे में और खर्चा क्यों बढ़ाऊं? ए, तेरे लिए तो कमाता हूं मैं. ये ले, ये पैसे टीचर को देके लिस्ट में अपना नाम लिखवा लेना. नहीं बाबा, रहने दीजिए. अरे रखना, मैं थोड़ा और काम करके इससे ज्यादा पैसे कमा लूंगा. ठीक है, बाय बाबा. बाय बेटा. कुछ तो बोल बेटा, देख तेरे बाबा की तरफ देख बेटा. फिर बच्चे, इसे बचा लीजिए. तेरे को 20% मिल जाएगा, चल निकल. हाँ बोल मनोज भाई. एक 12 साल की बच्ची है, एक्सीडेंट हुआ है और सर फट गया है. कौन सा हॉस्पिटल लेके जाऊं? प्रभास हॉस्पिटल में लेके आ. हाँ ठीक है. कितना टाइम लगेगा? जल्दी पहुंच जाएंगे, बस उसका सर पकड़ के रखिए. मेरी बच्ची, इसका तो खून ही नहीं रुक रहा. अस्पताल तो पीछे छूट गया भैया. सरकारी हॉस्पिटल में जाना है. एक्सीडेंट केस में ये किसी काम के नहीं होते. पूरा दिन फॉर्म भरने में लगा देंगे. बच्ची की जान प्यारी है या नहीं? प्राइवेट हॉस्पिटल बिल्कुल पास में है, वो लोग तुरंत इलाज शुरू कर देंगे. आप बिल्कुल मत घबराइए, सब ठीक हो जाएगा. हाँ बोलो. कहाँ पहुँचे तुम लोग? बस रास्ते में हूँ, 2 मिनट में पहुँच जाऊंगा. एक काम कर, यहाँ मत लेके आ. फालतू हॉस्पिटल है, 10-15% के ऊपर कोई बात नहीं करता इधर. कार्तिक हॉस्पिटल लेके आजा, बात हो चुकी है मेरी. 25% देंगे. खाली 5 किलोमीटर दूर है, 10 मिनट में पहुँच जाएगा. लेकिन वो लड़की उससे पहले मर तो नहीं जाएगी? नहीं मरेगी. तो जल्दी लेके आना उसे. डेड बॉडी लाया ना तो अपने को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी. हाँ समझ गया, मैं अभी आता हूँ. ठीक है मनोज, 25 नहीं 30% दूंगा. हेड इंजरी ट्रॉमा केस है, डॉक्टर मयूर यादव को बुला लो. ऑपरेशन थिएटर खुलवाओ. सिस्टर, मेन गेट के पास स्ट्रेचर रखवा दो. 5 मिनट में एम्बुलेंस आएगी. हॉस्पिटल कितनी दूर है भैया? बस थोड़ी दूर है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे. सुनो, तुम एक काम करो, जल्दी से करीब 1 लाख का बिल बनाकर तैयार रखो. ठीक है, मैं अभी आया. सुनिए सर,
देखिए ऐसे केसेस के लिए हमारा हॉस्पिटल बेस्ट है। बच्ची को हम कैसे भी बचा लेंगे। आप जरा भी चिंता मत कीजिए, हम है ना। रोइए मत, हौसला रखिए। वैसे आप करते क्या है? ऑटो चलाता हूँ सर। ओ, बच्ची के नाम पर कोई मेडिकल इंश्योरेंस है? ओ ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो सर को ले जाओ और फॉर्म भरवा दो। सर पहले आप डिपॉजिट भर दीजिए, उसके बाद फॉर्म भरने की फॉर्मेलिटीज भी कर दीजिए, ठीक है? तब तक मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। घबराइए मत, हम है ना आपके साथ, भरोसा रखिए। कैसी हालत है डॉक्टर? बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर इसे 10 मिनट पहले ले आते तो हालत इतनी खराब नहीं होती। स्कल फ्रैक्चर हुआ है, सर्जरी करना बेकार है, ब्रेन डैमेज हो चुका है। ऑपरेशन करने के बारे में कह रहे थे ना, कर लीजिए ना। कोई फायदा नहीं होगा, ये नहीं बचेगी। इलाज में 6 लाख लगेगा और इसका बाप भी एक मामूली ऑटो ड्राइवर है, पैसा कहाँ से लाएगा? ये नाटक सिर्फ अमीर करते हैं, पैसे चुकाने के बाद 1000 सवाल पूछते हैं और फिर सेकंड ओपिनियन का बहाना बनाकर किसी सस्ते हॉस्पिटल में खिसक लेते हैं। लेकिन ये गरीब अनपढ़ लोग हम पर पूरा भरोसा करते हैं, कर्जा लेकर भी पैसा चुकाते हैं। मानो अगर कहीं ये लड़की मर भी गई तो चुपचाप वही से लेकर यहाँ से जाएगा। ओके, तो पैसे जमा करवा दो, मैं ऑपरेशन की तैयारी करवाता हूँ। पैसा आ जाने तक इसे जिंदा रख पाएंगे ना? पैसे वेंटिलेटर पर कुछ घंटे तो जिंदा रख पाएंगे, इसे थोड़ी तकलीफ होगी, पर तू इसके बाप से जल्दी पैसा जमा करवा लेना। ओके, वो सब मैं संभाल लूंगा। घबराइए मत, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो ठीक हो जाएगी। हाँ, पर उसके बिना मुश्किल है। रोइए मत, रोइए मत, ऑपरेशन में सिर्फ 6 लाख लगेंगे। मैं समझता हूँ आपके लिए ज्यादा है, और आप चाहें तो लड़की को लेकर किसी सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं, पर वहाँ वो बचेगी या नहीं कहा नहीं जा सकता, अब मर्जी आपकी है। क्या मैं अपनी बच्ची को देख सकता हूँ? हाँ हाँ, आइए ना मेरे साथ। आप पैसों का इंतजाम कीजिए, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। मर जाइए बाबा, मर जाइए बाबा। हाँ ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। मैंने आधे पैसे जमा करवा दिए हैं, बाकी पैसा मैं ऑपरेशन के बाद जमा कर दूंगा। मुझे पता था आप इंतजाम कर लेंगे, आपकी बच्ची का ऑपरेशन शुरू हो गया है, इत्मीनान रखिए, हम है ना। इसके सर पर टाके लगा दो, ऐसा लगना चाहिए कि ऑपरेशन हुआ है। मैं जाकर इसके माँ बाप से बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सॉरी, मैं आपकी बेटी को बचा नहीं पाया। ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत कोशिश की पर आपकी बेटी की जीने की इच्छा मर चुकी थी, मुझे माफ कर दीजिए। कुमार इनको संभालो जरा। हाँ। बस बस, ये रोना धोना बंद करो, चलो निकलो यहाँ से। हमारी बच्ची अभी अभी दुनिया छोड़ गई और आप हमसे ऐसे बात कर रहे हैं। यहाँ शोर मचाकर बाकी लोगों को परेशान मत कीजिए। मुझे मेरी बच्ची का चेहरा एक बार देखने दो। तुम्हारा 1.5 लाख रुपया बाकी है, पहले वो भर दो, उसके बाद अपनी बेटी की बॉडी ले जाओ। ये आप गलत कर रहे हैं, आखिर कैसे इंसान हैं आप? एक माँ अपनी मरी हुई बच्ची को देखना चाहती है और आप मुझे मना कर रहे हैं। यहाँ पे ये सब तमाशा मत करो और ये इंसानियत की बातें मुझे मत सिखाओ। मैंने कह दिया ना, पैसे भर दो और बॉडी ले जाओ। मैं उसकी माँ हूँ, जन्म दिया है मैंने उसे। ओ, ये नाटक बंद करो, कहा ना तुम उसे अभी नहीं देख सकती, पहले बाकी पैसे भरने पड़ेंगे। आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए साहब, अपनी बच्ची को खोने का सदमा लगा है उसे। आप एक बार उसकी शक्ल दिखा दीजिए, सारे पैसे। सावित्री, आप
पहनने के लिए ढंग के कपड़े, न सर पर पक्की छत, न पेट भरने के लिए खाना। बच्चों को पढ़ाना हो तो अपना ही पेट काट के जीना पड़ता है। गरीबों के पास होता ही क्या है, सिर्फ उनकी जिंदगी। और जब कोई उसी के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे माफ कैसे करूं? By any chance वो जिंदा है अभी? ये जानना चाहता हूं मैं। अगर उस बच्ची को 10 मिनट के अंदर सही हॉस्पिटल मिल जाता तो वो बच जाती। अगर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद 10 मिनट में इलाज शुरू हो जाता तो शायद आज वो बच्ची जिंदा होती। अगर आप यहां 10 मिनट में पहुंच गए तो वो चारों भी बच सकते हैं। Your time starts now. मत बचाओ उन चारों को, they don't deserve. बापरे, एक इतनी प्यारी लड़की दिखाई, इतनी समझदार लड़की, वो ट्रिप नहीं जा रही है क्योंकि नहीं है, वो 200 रुपए मांग रहे हैं, all those things. इतना खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है उस लड़की का, इन्होंने अपना कमीशन निकालने के लिए उसको दूर वाले हॉस्पिटल में लेके गए। वन सेकेंड, हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही बिल बन चुका था क्योंकि कमीशन भी इनको देना था एंड एवरीथिंग, बिल ऑलरेडी तैयार था। बाद में पता चला इसका जिंदा रहना मतलब ऑलमोस्ट नामुमकिन है, बट पता है ये गरीब है, ये कहां से पैसे लाएंगे, फिर भी हम 6 लाख रुपए बन रहा है लेके आओ। ऑपरेशन तो चालू तक नहीं किया था, उसके पहले मर गई, तो टाके लगा लो, लगना चाहिए जैसे कि ऑपरेशन हुआ है। कितनी मिस्टेक हो चुकी है इस पूर्व, मतलब इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है। ऐसे इतने खराब इंसान हो सकते हैं कभी, ऐसे सोच मतलब ऐसे हम लोग सोचते भी नहीं, बिकॉज वी आर अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन बींग, हम लोग ऐसे मैनिपुलेटिव ऐसी सारी चीजों में है ही नहीं। तो दैट्स द रीजन हमारा दिमाग इन चीजों में ऐसे, मैं तो इस चीज से इतनी दूर हूं कि ऐसे टाइप के लोग भी हो सकते हैं। ऐसे सोचना मतलब ऐसा हो गया कि बाप रे मैंने अभी क्या देख लिया, ये क्या सीन था, ये इंसान है, जानवर हमसे बेहतर है, फिर मरे हुए इंसान से भी तुम कमीशन खा रहे हो। एक इंसान मजबूरी में है, कुछ है, उसका भी कुछ लेना देना नहीं, उसकी वाइफ ने जान दे दी वहां से अपनी बच्ची, मतलब तुम कितने सारे जान के ये हो, जिम्मेदार हो। एंड समटाइम्स आई फील कि डस कर्मा वर्क, है क्या कोई कर्मा वाली चीज, या हम ही लोग डर रहे हैं? मैं बहुत डरती हूँ कर्मा से, नो डाउट, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उस चीज का, बट यू नो लाइक अभी अपने को भी लगता है मैं इतना अच्छा करती हूँ, मेरे साथ मेरे पास तो कभी अच्छा ही आई नहीं, और इन लोगों को देख के लगता है ये लोग तो फिर उल्टा खुश है, कितनी भी बेईमानी करे कुछ भी करे ये लोग तो कुछ, वेर इज द कर्मा, ऐसा हो जाता है। फिर आई फेल्ट वेरी बैड थ्रू आउट द वीडियो, वेरी बैड, मतलब रोना आ गया यार। थला बते यार आप ये क्या ठहरी में रुलाया आपने मुझे, मर्सल में सेम चीजें हो रही है भाई साहब। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नहीं आगे सा बाय।